क्योंकि मेरे भाई का ये कारनामा था और उसने मेरी पूरी अनबॉक्स की वीडियो जो थी वो बनाई नहीं। इधर अगर आपको मेरा दोबारा प्यारा सोना सा भाई कैमरामैन जो है वो यहाँ पे दिखा सके आपको कि पूरी की पूरी मैं वीडियो अनबॉक्स कर चुका हूँ और अभी अनबॉक्स करने के बाद पता चला है भाई हमारा कैमरा ही ऑन नहीं है। वेलकम टू माई अनदर वीडियो। तो आज जैसा कि आपको पता चल रहा है कि यार आज की हमारी क्या अनबॉक्सिंग है, क्योंकि सबसे बड़ी अनबॉक्सिंग आज चैनल की हमारी होने वाली है। इससे आगे जाके और भी अच्छी अच्छी अनबॉक्सिंग बड़ी वाली होने वाली है, लेकिन आज हमारी अनबॉक्सिंग है प्रिंटर, जैसा कि आपने पहले ही थंबनेल पे देख लिया। तो बाय द वे पिछली वीडियो में हम अपना काटने वाला जो था वो भूल चुके थे, तो आज मैं दो जो हैं लेकर आया हूँ। तो ये वाला मुझे ज़्यादा इससे बेहतर लग रहा है, बेसिकली ये ज़्यादा शार्प है, लेकिन लेट्स ओपन, मतलब टाइम ज़ाया नहीं करते, ओपन करते हैं सीधा यार इसको। तो इन्होंने इसको यहाँ पर सिंपली, अच्छा भाई तो 12-12 दराज पे सेल थी, तो सेल पे मैंने ये ख़रीदा है। कितने का ख़रीदा है, कहाँ से ख़रीदा है वो आपको मैंने बता दिया और लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं। कुछ टाइम अभी भी रहता है 12-12 सेल को, आप वहाँ से जाके खरीद सकते हैं। ये रहा हमारा प्रिंटर। तो यार जैसे कि दिखने में लग रहा है हमारा यहाँ पर प्रिंटर आ रहा है, इजी टू यूज़ विद वायरलेस एंड मोबाइल प्रिंट, DCP-T420W। तो ये बेस्ट मॉडल है आजकल चल रहा है यार, क्योंकि इसमें बहुत से फीचर्स आ रहे हैं, क्योंकि यार ये जो TCS वाले हैं गधों की तरह फेंकते हैं सब कुछ। और ये देखो ये टूटा हुआ है, ये यहाँ से यहाँ पर भी टूटा हुआ है। अब होप्स हो कि प्रिंटर अंदर सलामत हो, क्योंकि गधों वाली TCS काम करते हैं। पहले भी इनसे मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं है TCS वालों से। फ्रंट पे हमें यहाँ पे अप टू 15,000 पेजेस बता रहा है, रीफिल टैंक सिस्टम 4 इंच वाला है, और बैक पे भी सेम वही है, और ऊपर कुछ हमें चीज़ें दी गई जो कि इंटरनल है इसकी। तो और मेरे नहीं ख्याल कि इसमें कुछ और है, इसे यहाँ से अब ओपन करते हैं हम, अंदर हमारा प्रिंटर वाकई सलामत भी है या फिर उनकी मेहरबानी से सब ठीक हो गया। तो बॉक्स ओपन करते ही हमें कुछ यहाँ पे हमारी चीज़ें दी जाती हैं, तो इनको हम साइड पर करते हैं और इसमें दिया क्या क्या जाता है। तो यहाँ पे हमारे इंक्स आ रही हैं जिसको हम निकालते हैं, हमारे यहाँ पे इंक्स आ रही हैं 3 इंक्स, 2 वायर्स एंड 2 ब्लैक इंक्स। तो वाइट की बात करें तो यहाँ पे हमें 2 वायर्स दी जाती हैं जो कि प्रिंटर के लिए यूज़ की जाती हैं, साथ में 3 हमें RGB कलर्स की यहाँ पर कलर्स दिए जाते हैं, और काफ़ी अच्छे यार कलर्स लग रहे हैं, तो होप्स हो कि कुछ टाइम भी निकालेंगे यार ये। तो उसके अलावा हमें साथ में पावर केबल दी जा, सॉरी इस अटैच केबल जो उसके साथ आप सिस्टम के साथ इंक्लूड कर लेते हो वो है, और यहाँ पे कुछ CDs हमें दी जाती हैं यार, ये रही हमारी CD एंड दिस इज, और कचरा पेपर्स, क्योंकि पढ़ते तो हम इसको है नहीं तो कचरा ही कहेंगे इसके यार, सॉरी फॉर देट यार। उसके अलावा यहाँ पर हमारा प्रिंटर आ रहा है, तो इसको हम ज़रा साइड पर करते हैं, क्योंकि यार यहाँ पर इसके डॉचेस भी पड़े हैं ये एंड ये ऊपर, तो खैर ये था तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा होगा, होप्स हो कि प्रिंटर को कोई इससे इफ़ेक्ट नहीं हुआ होगा। तो प्रिंटर हम अपना निकालते हैं यहाँ पर, तो बॉक्स हम अपना करते हैं साइड पर, दिस इज़ आवर प्रिंटर, और इसको हम यहाँ से शार्पर से निकालते हैं। फर्स्ट लुक हमारी प्रिंटर की कुछ इस तरह से, और काफ़ी डिसेंट लुक है इस प्रिंटर की हमारी। तो ये हमारा रहा स्कैनर, यहाँ से हम अपना स्कैन कर सकते हैं, और अब मुझे समझ ये नहीं आ रही कि ये जो जगह है ये ऐसे बाहर क्यों आ रही है, इस जगह ने बाहर ऐसे होना भी होता है या फिर मेरा ही जस्ट आ रहा है, तो मुझे खैर पता नहीं है, इसको मैं एक बार सर्च आउट कर लूँगा कि असल में ये क्या है और कैसे है। तो इसको वापस अंदर डालते हैं, एंड ये हमारे कुछ यहाँ पर सिस्टम्स दिए जाते हैं, रीफिल टैंक सिस्टम है हमारा, एंड हम इसको नीचे करते हैं तो हम यहाँ पर अपनी इंक्स डाल सकते हैं, पिंक ब्लू येलो एंड ब्लैक, क्योंकि इसकी जो इंक्स की अगर बात करें तो यहाँ पर मैं एक इंक ओपन करता हूँ, तो ये इंक हमारी रही ओपन, ठीक है इसको मैं रिमूव करूँगा, रिमूव करने के बाद एक और ऊपर कैप है, ठीक है इसको यहाँ मैं एसेस के साथ लगाऊंगा, लगाने के बाद डायरेक्टली इसको मैं यहाँ ओपन करूँगा और इसको यहाँ पर डाल दूंगा और वो फिल आउट हो जाएगी। इसकी ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी है, और अभी खैर इसको मैं इंक डालूंगा नहीं, जस्ट आपको बता रहा था कि इस तरह से ये इंक
होती है। उसके अलावा यहाँ पे 3-in-1 है, क्योंकि हमें एक तो स्कैनर मिल चुका है, दूसरा हमारा इंक वाला, और तीसरा हम लोग यहाँ पे इसमें से ब्लैक एंड वाइट भी निकाल सकते हैं। इसलिए ब्लैक एंड वाइट इंक जो है हमें यहाँ पर ब्लैक दो दी गई हैं और काफ़ी अच्छी क्वालिटी की लग रही हैं देखने में, क्योंकि ब्रदर्स की है और मॉडल तो खैर बताना आपको भूल गया, ब्रदर्स का ये मॉडल है। कंपेयर टू अदर प्रिंटर्स तो और भी काफ़ी ऐसे प्रिंटर्स हैं जो कि इसी रेंज में, मतलब इसी कैटेगरीज में आ रहे होते हैं, लेकिन उनकी जो रेंज होती है, प्राइस टैग होता है, वो काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। तो जिस तरह से हमारे यहाँ पे मॉडल आ रहा है एप्सन का L3, इस तरह का कोई मॉडल करके आता है, वो 52,000 के आसपास मिलता है, जबकि ब्रदर्स का जो ये ही मॉडल है ये 47,000 का मिलता है। क्योंकि आजकल दराज पे सेल चल रही है 12 की, तो आपको ये प्रिंटर डिस्काउंट के साथ 45,500 रुपीज़ में पड़ता है। क्योंकि मेरे ये मैं वीडियो स्पॉन्सर वगैरह कुछ भी नहीं कर रहा, खुद अपने दम पे वीडियोस बना रहा हूँ, और कुछ लोग पूछते भी हैं यार स्पॉन्सर करो, पेड रिव्यू पेड वगैरह कोई नहीं है अभी, तो जिस दिन पेड हुआ उस दिन बताऊँगा, मेंशन भी करूँगा कि पेड रिव्यू है। दराज पे जाके आप सिंपली परचेज कर सकते हैं ये, और काफ़ी मेरे ख्याल से एक अच्छा वहाँ पे आपको प्लेटफॉर्म मिल रहा है, और वहाँ से आप शॉपिंग कर सकते हैं। उसकी एक रिटर्निंग पॉलिसी मुझे ये भी अच्छी लगती है यार, कि 7 days में आप कभी भी जाके कोई भी मसला प्रॉब्लम आए वो आप चेंज कर सकते हैं, और जो पैसे होते हैं वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। तो मतलब सेफ़ इन्वायरमेंट वो दराज का है, क्योंकि आप लोकली चीज़ परचेज़ करते हो शॉप वाले से, तो शॉप वाला आपसे तब वो चीज़ परचेज़ कर ले, आप उस पैसे आपसे ले लेगा, फिर अगर कोई मसला परेशानी आती है तो उसमें आपको लारे लगाई रखता है यार कि कल लाना है इसको, मैं ठीक करूँगा, ये करूँगा, क्लेम करवा दिया मैंने, ये कर दिया वो कर। दराज में ये झंझट ही नहीं है, आगे उम्मीद है कि ऐसे ही रहेंगे, ये ना इतनी तारीफ़ें की कर रहा हूँ और आगे जाके इनका सिस्टम ही सारा चेंज हो जाए, तो ऐसा ज़्यादा तारीफ़ें भी नहीं करनी चाहिए। एक लास्ट चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना भूल गया हूँ, जो कि यहाँ पे हमारे बटन्स आ रहे हैं, स्टॉप आ रहा है, वाईफाई बटन आ रहा है, कॉपी शॉर्टकट आ रहा है, मोनो एंड कलर आ रहा है। अब मोनो कलर का ये है कि मोनो कलर में आप सिंपली प्रेस करोगे, आपका जो भी प्रिंट होगा वो लाइक ये वाला कलर प्रिंट है ना, तो आप मोनो पर क्लिक करोगे, स्कैन भी करते हो जो भी करते हो वो प्रिंट कलर आएगा, जबकि आप सॉरी इट्स कलर प्रिंट, तो मोनो कलर में आप जैसे ही जाओगे, मतलब मोनो जैसे ही प्रेस करोगे, तो कैमरा में यहाँ पर अगर लगाए तो कलर का मतलब आप यही प्रिंट, ये वाला प्रिंट अगर आप कलर करते हैं तो इसको प्रेस करोगे कलर आ जाएगा, और यही प्रिंट अगर आपको ब्लैक एंड वाइट चाहिए तो सिंपली आप इसको प्रेस करोगे, वो ही जो आपका प्रिंट है वो ब्लैक एंड वाइट आ जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर वाईफाई है, स्टॉप का बटन है, और यहाँ पर ये चीज़ें कुछ इंक्लूड की गई हैं, तो खैर इनको मैं खुद अभी सर्च करने वाला हूँ कि ये कैसे होती हैं। ओवरऑल ये थी हमारी आज की अनबॉक्सिंग, तो मेरे भाई का बहुत शुक्रिया जिन्होंने पहली बार जो मैंने पूरी अनबॉक्सिंग कर ली अपनी वीडियो की तो उन्होंने कैमरा ऑन नहीं किया, और दूसरी शुक्रिया ये कि शुक्रिया कि आपने वीडियो मेरी बनाई। ये हमारा बॉक्स है यार, ठीक है, प्रिंटर का, क्योंकि मैंने पहले ही अनबॉक्स किया तो मेरी चैनल की सबसे हाईएस्ट जो वीडियो थी, सबसे महंगी तरीन वीडियो, आज इस भाई ने मेरे ना वो उसका रगड़ा दे दिया मुझे, तो उसने बोला ना चैनल में नहीं दिखाने का ये चीज़। तो खैर जो भी था, ये आपके सामने है हमारी आज की अनबॉक्सिंग, तो होप सो आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, तो खुश रहिए, आबाद रहिए, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिए, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।